भागलपुर में नव पदस्थापित जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने शनिवार को समाहरणालय परिसर अंतर्गत कार्यालय की बिल्डिंग और परिसर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने डीडीसी कुमार अनुराग और सदर एसडीओ धनंजय कुमार की मौजूदगी में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह को G+5 की नई बिल्डिंग निर्माण से संबंधित और कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग तैयार करने को लेकर स्थल निरीक्षण करते हुए जिला प्रशासन के अंतर्गत आने वाली सभी कार्यालयों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने DRDA, SDO कार्यालय परिसर, सांख्यिकी कार्यालय, ADM कार्यालय समेत आसपास के पूरे एरिया की जानकारी अधिकारियों से लेकर सभी कार्यालयों को नए तरीके से व्यवस्थित करने की बात कही। साथ ही जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि 17 करोड़ की लागत से बनने वाले कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग निर्माण से संबंधित बातों पर चर्चा के बाद स्थल निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। DM ने कहा कि एक ही छत के नीचे जिला प्रशासन के अधिकतर कार्यालयों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने भवन निर्माण विभाग के अभियंता और पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए कार्यों में तेजी लाने के लिए जरूरी जानकारी साझा करने की बात कही। बता दें कि पूर्व से ही DRDA परिसर में G+5 बिल्डिंग निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन फिलहाल पर्याप्त स्थल के चयन को लेकर DM ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। और ये देख रहा हूँ कहाँ बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ से कि आम जनों को भी सुविधाजनक हो सके, साथ ही दूसरी हमें कम से कम बिल्डिंग बनाना पड़े। और तीसरा, चूँकि ये कलेक्ट्रेट बन रहा है तो 100 साल के लिए बन रहा है, तो यहाँ का कलेक्ट्रेट पहले भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग रहा है, तो उसको हम लोग रक्षित भी कर सकें और बेहतर सारी भवन जो है सारे विभाग जी इसमें जो कई ऐसे विभाग हैं जिनकी छोटी छोटी बिल्डिंग है, तो उन सभी विभागों को समाहित करके एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें सभी पदाधिकारी एक साथ एक छत के नीचे बैठ सकेंगे और हम लोग बेहतर समन्वय से काम कर सकेंगे। कल शाम को मैं जो नगर आयुक्त हैं उनके साथ हम लोग गए भी थे, जो ऊपरी पुल है उसके पास हम लोगों ने भ्रमण भी किया है। कुछ गाड़ियों को हम लोग मेजर गाड़ियाँ हैं जिसके कारण से शहर का ट्रैफिक कंजेशन होता है, उस ट्रैफिक कंजेशन को हम लोग दूर करने के लिए प्लान बना लिए हैं और कमिंग फ्राइडे से और जो इस वीक में फ्राइडे से उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दूसरा कि ट्रैफिक को मैंने असेस किया है, मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक में कुछ इशूज हैं जो कि आज से ही हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, तो वो भी हमारा काफ़ी बेटर हो जाएगा। थर्ड है कि कई जगहों पे पोल हैं बिजली के, जिसके कारण से भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैंने आज बिजली विभाग के अभियंता को निर्देश दिया है कि वो जाकर इसको सर्वे करेंगे और सर्वे करके हमें आंकड़ा देंगे। उस आंकड़ों के हिसाब से यदि तार को अंडरग्राउंड करना होगा तो हम तार को अंडरग्राउंड करेंगे। यदि हमें लगेगा कि नहीं कि तार का हाइट बढ़ा देने से और पोल को शिफ्ट करने से हमारी जाम की समस्या खत्म होगी तो हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। और आज 3/15 में हमने स्पेसिफिक शहर के कंजेशन को दूर करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्णय के आलोक में हम लोग नेक्स्ट वीक से काफ़ी बेहतर। भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त कार्यालय में शनिवार को जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था को आम लोगों के लिए सुगम बनाने को लेकर विचार विमर्श हुई। इस दौरान शहर में होने वाले जाम की समस्या का निदान निकालने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं बैठक में सदर SDO धनंजय कुमार, CTDSP अजय कुमार चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया, महासचिव पुनीत चौधरी ने यातायात व्यवस्था को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। नगर आयुक्त ने शहर के चौक चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल को कम करने और ई रिक्शा के ठहराव की व्यवस्था करने के लिए जगह चिन्हित करने और 0 माइल से तिलकामांझी रोड के किनारे वन वे एवं नो एंट्री बोर्ड लगाने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने की बात कही। मौके पर सिटी मैनेजर विनय प्रसाद समेत कोतवाली, तिलकामांझी, मोजायतपुर और अन्य कई थाना के प्रभारी मौजूद रहे। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला में रफ्तार का कहर जारी है, सड़क दुर्घटना में लगातार मौतें हो रही हैं। ताजा मामला नवगछिया NH 31 टोल प्लाजा के समीप की है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार मां बेटे को कुचल दिया। घटना में मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। एक्सीडेंट होते ही कार चालक कार को मौके पर छोड़कर ही फरार हो गया। मृतकों की पहचान पूर्णिया के मैखंड निवासी गीता देवी व उनके पुत्र निवास शाह के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि पूर्णिया से भीपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर में अपने बच्चे व बहू से मिलने गई गीता देवी अपने बेटे के साथ वापिस लौट रही थी, जिस क्रम में तेज रफ्तार कार
ने भीषण टक्कर मार दी, जिसमें दोनों माँ बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। क्या हुआ? पिंकू कुमार। आपका घर? मईखंड साजी टोला। कहाँ, किस जिला, कौन सा थाना? थाना बरारकोठी जिला पूर्णिया। ये जो घटना हुई है किनके साथ हुआ है, कौन है आप? मेरी मम्मी है और मेरा भाई है। क्या नाम है दोनों का? मम्मी का नाम गीता देवी है और भाई का नाम निवास है। और पिताजी का नाम? स्वर्गीय उचित सा। कहाँ से लोग आ रहे थे, कहाँ घटना? ये लोग जो भमरपुर से आ रहे थे, भमरपुर मेरी पत्नी है, उनकी लड़की हुई है, तो आज 8 दिन हुआ है, 8-9 दिन उसका हुआ है, उसी को देख के ये लोग आ रहे थे। घटना हुआ जीरो माइल के आसपास। आप लोग को कैसे पता चला? हमको थाना से जो है कि फोन किए, मतलब पहले मेरे गाँव में किसी अलग लड़का श्रवण कुमार को फोन। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्नू चक में शौच करने गए एक युवक की पानी में डूबकर मौत हो गई। घटना शनिवार के दोपहर की बताई जा रही है। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक पैर फिसल जाने के कारण दुर्घटना हुई और युवक दलदल में फंस गया। दलदल से खुद को बाहर नहीं निकाल पाने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पीरपैंती प्रखंड के परशुरामपुर पंचायत निवासी राजेंद्र मंडल के 19 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार के रूप में हुई है। इधर युवक के मौत की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को दलदल से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। वहीं मामले को लेकर जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रणव कुमार उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि एवं पड़ोसी होने के नाते उनकी पूरी संवेदना पीड़ित परिजनों के साथ है। उन्होंने कहा कि परिवार ने एक कामकाजी बेटे को गंवा दिया है, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसके बावजूद उन्होंने सरकारी स्तर से मृतक के परिवार वालों को अनुदान राशि दिलवाने की मांग की। वहीं जवान बेटे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कहाँ काम करता था? पन्नू चक। अच्छा, क्या काम करता था? डूबी गई। अच्छा, कितने वर्षों से काम कर रहा था वहाँ? 6 महीना से। क्या उम्र होगा उसका? 18-19 साल का था। ऐसे अनुभव बताएंगे। अच्छा, क्या भाई था? दो भाई। क्या नाम था? राजेंद्र मंडल। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र स्थित यूको बैंक से रुपया निकालकर घर जा रहे 55 वर्षीय भोला यादव की बाइक सवार झपटमारों ने रुपए से भरा थैला छीनकर फरार हो गया। भोला यादव जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तेजपुर गांव निवासी हैं। उन्होंने बताया कि बैंक से 50,000 रुपए नकद निकालकर वो अपने घर जा रहे थे, तभी भुराहा के निकट बिरजू चूड़ा मिल के समीप पीछे से एक बाइक पर सवार दो युवक आए और हाथ से थैला छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि थैला में 50,000 रुपए, पासबुक और आधार कार्ड था। घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने जगदीशपुर थाना में आवेदन दिया। सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। आसपास के CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। वहीं जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि शीघ्र ही बाइक सवार युवक की पहचान कर मामले का निष्पादन कर लिया जाएगा। इधर विधि व्यवस्था DSP मंगलेश कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं।
बांका के अमरपुर स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऋण कलेक्शन एजेंट द्वारा ग्राहक से लगभग 1,00,000 रुपए धोखाधड़ी कर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद बैंक की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से आक्रोशित ऋण धारकों ने बैंक परिसर में जमकर हंगामा किया, जिससे काफी देर तक बैंक में गहमागहमी बनी रही। मिली जानकारी के अनुसार ऋण धारक शंभुगंज के कस्बा निवासी सनलता देवी, किरण देवी एवं पूनम देवी ने बताया कि तीनों ने वर्ष 2021 में गाय खरीदने व व्यवसायी करने के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अमरपुर शाखा से 40,000 रुपए लोन लिया था, जिसको लेकर बैंक के कलेक्शन एजेंट अमित कुमार, रोशन कुमार एवं धीरज कुमार घर आकर किस्त का रुपया ले रहे थे। कुल 52 किस्तों में ऋण चुकता कर दिया गया, पर 2 दिन पूर्व बैंक के एक अधिकारी ने फोन कर अभद्रता से बकाया रुपये की भुगतान करने की बात कही। उसने बताया कि उसके एजेंट नौकरी छोड़कर जा चुके हैं, अब हर हाल में बकाया ऋण की भुगतान करने के बाद ही नो ड्यूज मिलेगा। जिसके बाद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत करने से आक्रोशित महिलाओं ने बैंक जाकर जमकर हंगामा किया। शाखा प्रबंधक प्रभात कुमार ने बताया कि तीनों महिला ऋण धारक है। ऋण वसूली को लेकर कहा गया तो कलेक्शन एजेंट को किस्त जमा करने की बात बताई। इस मामले को लेकर वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर ही कुछ कहा जा सकता है। अगला शुक्र के गलो अच्छा सर, हाँ। किरण देवी आपका वही भी लग गया है और नहीं तो 17,000 रुपया ब्याज भरिए अच्छा उत्तर बैंक में हाँ। नहीं तो वही डी खुलेगा हाँ। नहीं तो आपका वही डी बंद हो जाएगा। बोल रहा था के बोल रहा बोली का मोटरसाइकिल से गेलो रे चले वो अब हमारे चिन्ह लिया सर नहीं है यही बरौंचिया से गेल कल हम उत्कर बैंक से आए हैं इतना को बोली क्या हमारे बरौंचिया लिया वो भागी के लिए बरौंचिया। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में मां शाकंभरी परिवार समिति की ओर से शनिवार को धूमधाम से माता शाकंभरी महोत्सव मनाया गया। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ माता की ज्योत जलाकर पूजा अर्चना एवं हवन की गई। समिति की ओर से आयोजित किए गए महोत्सव में काफी संख्या में शाकंभरी परिवार से जुड़े पुरुष, महिला और युवक युवती शामिल हुए और माता का जयकारा लगाया। इस दौरान स्थानीय एवं बाहर से आए कलाकारों द्वारा कई कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिससे पूरा माहौल माता शाकंभरी की भक्ति में रंग गया और सभी श्रद्धालु नृत्य, नाटिका, भजन व भक्ति गीतों पर झूमते दिखे। मौके पर समिति के अध्यक्ष बद्री प्रसाद छापोलिका, महासचिव मुरलीधर शर्मा, नरेंद्र शर्मा समेत कई श्रद्धालु मौजूद थे। शाकंभरी समिति की तरफ से 9वां मां शाकंभरी का आयोजन किया जा रहा है। मां शाकंभरी हमारी कुल देवी है और आज जन्म के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष हमारी समिति करती है।